लेकिन घनेन्द्र भारद्वाज, क्या इन्हीं तमाम सवालों के बीच, मुद्दों के बीच, क्या सरकारी कर्मचारी घूमता रहेगा? आपने लागू कर दिया, फिर बात उस पर आर्थिक संकट की आ जाती है, फिर बात जो इन कर्मचारियों का, जो पीएफडीआरए में जो पैसा फंसा हुआ है, जब आप वो केंद्र से मांगते हैं तो वो मिल नहीं पाता है, तो ऐसे में उन्हें क्या मिल रहा है? वो तो आज भी खाली हाथ ही है ना। देखिए पूजा जी, हो क्या रहा है कि जो सरकार देश में चल रही है, ये सरकार मजदूरों के खिलाफ है, ये सरकार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ है, ये सरकार किसानों के खिलाफ है, ये सरकार नौजवानों के खिलाफ है, ये सरकार महिलाओं के खिलाफ है। इस सरकार का सिर्फ एक काम है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार है और क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। इस सरकार का एक ही काम है कि कैसे अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना है, कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे उनको और बड़ा बनाना है। इस काम में पूरी की पूरी मोदी सरकार लगी, पूरे के पूरे इनके गठबंधन के साथी लगे हुए। अभी एलजेपी के साथी को सुना, सब कुछ मानने, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम मोदी जी अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे, क्योंकि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को कॉर्पोरेट से बहुत मोटी फंडिंग आ रही है, इनके तो घर चल रहे, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी के घर का कौन देखेगा? उसके घर में चूल्हा चल रहा है नहीं चल रहा? उसके पैसों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप मार्केट में लगा रहे हो? अरे तुम्हारा पैसा कोई लगाए ना मार्केट में तुमसे बगैर पीछे? जाके कपड़े फाड़ दोगे, पुलिस में एफआईआर करा दोगे? लेकिन ये क्योंकि मोदी जी की सरकार चल रही, तानाशाही सरकार है, अहंकारी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। और कितना पैसा चाहिए? बार बार ये कह रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं कि अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो पैसा कहां से आएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा देश में। देश में आर्थिक संकट तब नहीं आता जब 17 लाख करोड़ रुपए आप अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ कर देते हो, 5 लाख करोड़ रुपए का उनका टैक्स माफ कर देते हो, उनसे क्या रिश्तेदारी है आपकी? अरे ये लोग तो देश की सेवा कर रहे हैं और वो देश को लूट रहे हैं, देश का पैसा लूट लूट के विदेशों में लेके जा रहे हैं, वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं। हर अभी एक बैंक से कर्जा लिया, उसका पैसा खा गए, दूसरे का लिया उसका खा गए, तीसरे का लिया उसका खा गए। हम एक बैंक से अगर एक किस्त डिफॉल्टर हो जाए तो मेरे घर पर तो लोन वाले आ जाते हैं, मेरे घर की कुर्की हो जाती है, मेरा ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं, मेरी मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं। लेकिन आपके दोस्तों का कोई नहीं, क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाते हैं, इसलिए देश में उनके लिए कोई कानून लागू नहीं होगा। जो कानून लागू होगा वो मेरे ऊपर लागू होगा, पूजा जी के ऊपर लागू होगा, अनुपमा जी के ऊपर लागू होगा, भुवन जी के ऊपर लागू होगा, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। बार बार इस तरीके के अनलॉजिकल जो वो चीजें होती है ना, वो हमारी समझ से बाहर होती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पंजाब की सरकार कर सकती है, राजस्थान की सरकार कर सकती है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर सकती है, झारखंड की सरकार कर सकती है, तो पूरे देश की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ नीयत चाहिए। अगर आपकी नीयत होगी कि सरकारी कर्मचारी को जस्ती दिलवाना है तो आप दिलवा दोगे, लेकिन अगर आपकी नीयत यह है कि आपको सिर्फ शोषण करना, आपको सिर्फ उस समाज के उस तबके का आपको शोषण करना, उनके अधिकारों को उनसे छीनना है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर।